हाँ, सो फाइव न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, सिक्स से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? लेट एफ, एफ गिवन है हमें कि ऑर्डर्ड पेयर होगी एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, वेर एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, वी दी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिटरमाइन द रेंज, रेंज फाइंड करनी है, ये फंक्शन है। अभी देखो देखा कैसे दिया कैसे है। जनरली हमें एक्स बोल देते हैं या वाई बोल देते हैं या ऑर्डर्ड पेयर देते हैं, तो यहाँ पर भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन ही है, एक्स और वाई। एक्स तो ये रहा और ये क्या है, वाई, दूसरा वाई होता है ना, वाई, और वाई क्या है, वाई ही तो है एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा वाई होता है तो मतलब जो एक्स कॉमा वाई, तो जो वाई है वही क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स, इतना गिवन है। रेंज पूछी है। अच्छा, डोमेन, डोमेन तो भाई एक्स, एक्स बिलोंग्स टू तो आर है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, आर। ओके, रेंज की बात करें तो रेंज के लिए आर हम, एक्स हम क्या क्या रखे, तो देखो हमारा एक तो सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है कि कभी भी ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन देखे थे ना हमने कि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। सो हम एक मेथड तो कौन सी कर सकते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर अगर जीरो नहीं होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो माइनस का तो होगा नहीं, तो ये मेथड तो हम यहाँ नहीं करेंगे, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी हमें पढ़ना बाकी है, अदरवाइज इस मेथड से कर सकते थे। अगर ये मेथड नहीं कर सकते तो और क्या करें, और क्या करें, और सिंप्लीफाई करते हैं। चलो सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, इसको भूल जाओ अभी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, डन। और ऊपर तो एक्स स्क्वायर था ही, अब इसको उस साइड भेजो, उस साइड भेजेंगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, यहाँ पे आ गया वन माइनस वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। चलो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये उस साइड गया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, डन। ओके, देयर फॉर y इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो क्या हो गया, वन माइनस हो गया तुम्हारा, ठीक है। हाँ भाई, सो y इज इक्वल टू, आज आज क्या पढ़ा तुम लोगों ने, और कल क्या पढ़ा था, आज साइंस पढ़ा, कल मैथ्स पढ़ा, आज क्या है, वेडनेसडे, हाँ फ्राइडे को इंग्लिश, ठीक है, ओके। हाँ चलो, सो ये समझ में आ गया, इतना एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ वन बचा और यहाँ पे वाई बचा, डन, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई क्या, वाई अपॉन वन माइनस वाई, डन। ओके, अब x क्या होगा, x हो जाएगा स्क्वायर रूट में y अपॉन वन माइनस वाई, डन। अब y, अब x बिलोंग्स टू तो r है, लेकिन वो बिलोंग्स टू r भी कब पॉसिबल है, जब ये डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड ही नहीं होगा तो फिर r की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये डिफाइंड होना चाहिए। ये डिफाइंड कब होगा, ये तुम्हारा z माइनस नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर हमारा कंडीशन क्या है, जैसे हमने बोला डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिकल की ना हमने कल, डन। तो ये माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस ना होने के लिए क्या कंडीशन है मेरे पास, कि भाई वाई अपॉन वन माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ऐसा ही होना चाहिए, जीरो होगा तो भी चलेगा लेकिन माइनस तो होना चाहिए नहीं, ये कंडीशन है मेरी। अच्छा, अब इसकी क्या वैल्यू, इसकी दो चांसेस है क्या, y अपॉन वन माइनस वाई, चलो आगे लिखे y अपॉन वन माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, तो हमारे पास है y अपॉन वन माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, इसके दो मीनिंग है क्या,
y अपॉन वन माइनस y ग्रेटर देन जीरो और दूसरा y अपॉन वन माइनस y इज इक्वल टू जीरो. डन. यही दो मीनिंग है y अपॉन वन माइनस y, एक बार ग्रेटर देन एक बार इक्वल टू जीरो, ये दो इसके मीनिंग निकलते हैं. तो इसके मीनिंग के इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा यहां चला गया तो जीरो, तो यहां से तो आ गया y इज इक्वल टू जीरो. देन यहां से तो आ गया क्या, y इज इक्वल टू जीरो. जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, जीरो. तो y इज इक्वल टू जीरो. ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. मतलब y अपॉन वन माइनस y ग्रेटर देन जीरो कब होगा, ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, पॉजिटिव. पॉजिटिव कब होगा, जब ऊपर और नीचे दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा, करेक्ट. और अगर ऊपर और नीचे दोनों क्या हो, नेगेटिव, तो भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आएगा, करेक्ट, पक्का. तो ये कॉन्सेप्ट से मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऊपर और नीचे दोनों पॉजिटिव हो मतलब क्या, वाई ग्रेटर देन जीरो एंड नीचे भी क्या आना चाहिए, वन माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो. डन. तो ग्रेटर देन जीरो मतलब देखो ऊपर वाला वाई ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आ गया, नीचे वाला वन माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो नीचे वाला भी पॉजिटिव आ गया. और क्या हो सकता है, ये हो सकता है क्या, मतलब ये जो मैंने पहले लिखा था माइनस माइनस, सो वाई लेस देन जीरो हो तो नीचे वाला 1 माइनस y भी लेस देन 0 हो तो भी मेरा पूरा आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा. ये पूरा आंसर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कब आ सकता है, जब ये रेशियो ऊपर और नीचे दोनों प्लस हो तो प्लस 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 आंसर आ जाएगा, और ऊपर और नीचे दोनों माइनस हो तब भी माइनस माइनस प्लस होके प्लस आंसर आएगा. अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो आंसर आएगा नहीं. तो दोनों प्लस हो उसके लिए मैंने लिखा कि ऊपर वाला भी प्लस मतलब ग्रेटर देन जीरो, नीचे वाला भी प्लस मतलब ग्रेटर देन जीरो. अगर दोनों माइनस हो तो भी आ सकता है. सो ऊपर वाला माइनस मतलब वाई लेस देन जीरो मतलब क्या, वाई माइनस लेस देन जीरो मतलब माइनस, और नीचे वाला बी माइनस मतलब वन माइनस जीरो, वन माइनस वाई शुड बी लेस देन जीरो. डन. समझ में आया. अब यहां से क्या निकल रहा है हमारे पास, यहां से आ रहा है वाई ग्रेटर देन जीरो, y greater than 0, और यहां से आ रहा है 1 greater than y, 1 greater than y, ऐसे ही आ रहा है, देखो 1 greater than y. Done. y greater than 0 तो ठीक है, मतलब इसको 1 greater than y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y less than 1, 1 से छोटा है, करेक्ट. तो मैं इसी को लिखा है तो मैं ये एक्स्ट्रा वाला रब कर देता हूं. डन. इससे किससे, मेरी ये कंडीशन से ये चीज मिल रही है. डन. पक्का. ओके. नेक्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, वाई लेस देन जीरो. तो यहां पर तो है वाई लेस देन जीरो, और दूसरा ये है क्या है, वन माइनस वाई लेस देन जीरो. तो y सेट जाएगा तो 1 लेस देन y ऐसा हो जाएगा. ये y सेट गया तो प्लस हो गया तो 1 लेस देन y हो गया. अब ये क्या है, y 0 से छोटा और ये y 1 से बड़ा. देखो क्या बोल रहे हैं, y क्या होना चाहिए, 0 से छोटा, लेकिन y क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा. ऐसा पॉसिबल है कुछ, 0 से छोटा मतलब समझ लो माइनस 2 तो 0 से छोटा है, बट माइनस टू वन से बड़ा है, वो तो गलत बात हो गई भाई. माइनस टू कहां बड़ा है, मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो जीरो से तो छोटा हो लेकिन वन से बड़ा हो. ऐसा कौन सा नंबर है भाई, ऐसा कौन, हाँ वन से बड़े नंबर है ठीक है, बट वो वन से बड़े है मतलब क्या, जीरो से भी बड़े है, जीरो से छोटे नहीं है. अंडरस्टूड. तो ये तो भाई मेरा केस ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. अंडरस्टूड. पक्का समझ में आ गया. तो मतलब क्या पॉसिबल है मेरा, ये पॉसिबल है ग्रेटर देन जीरो मतलब देखो वाई जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा तो बहुत सारे नंबर हो सकते, एक से छोटा तो है ना भाई, 0.1 तो जीरो से बड़ा है एक से छोटा है. डन. और यहां हमें पहले कंडीशन मिल गई है, वो क्या बोल रही है, वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब मेरा वाई की कंडीशन मिल गई क्या,
कि y मेरा 0 भी हो सकता है, तो मतलब 0, y एंड 1, तो ऐसे मैं लिख सकता हूं y 0 से बड़ा है, नहीं सॉरी y 0 से बड़ा है, हाँ तो y 0 से बड़ा है, y 1 से छोटा है, तो y 1 से छोटा है, बट y 0 भी है, तो ये 0 भी है, that's it. कंडीशन किस किस को मिलाया मैंने, ये 1, ये 2 और ये 3 का कंबाइंड करके ये लिख दिया. और अब इसी को हम रेंज में कैसे लिखते हैं, y मेरा 0 टू 1 के बीच में, मतलब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 0, 1. That's it, ये मेरा क्या हो गई, रेंज हो गई, क्योंकि जो y होगा वही तो रेंज होगी, जो x होगा वो डोमेन होगा, तो जो y होगी वो रेंज होगी. तो x तो मेरा बिलोंग्स टू r है, तो डोमेन मेरा रियल नंबर्स है r, और रेंज मेरा है 0, 1, 0 इंक्लूडेड. सिंपल, समझे ये, समझे पक्का. फिर से क्या है, देखो हमने क्या बोला, हमें ये गिवन था, तो y इज इक्वल टू ये है, तो y इज इक्वल टू ये लिख दिया. अब जो हम अब तक करते आ रहे थे वैसा करने गए, तो क्या करने गए कि 1 प्लस x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा. तो अगर वैसे हम करने गए तो हमें बोल रहे हैं कि 1 प्लस x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब यहां पे हो गया x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू -1. अब यहां पर मैं स्क्वायर रूट लगा नहीं सकता क्योंकि यहां पर माइनस वन है, तो x में तो मैं अटक गया. अब दूसरी तरफ से अगर चेक करूं तो ये y है, तो इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो y प्लस x स्क्वायर, y x स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन किया, तो x का फॉर्मूला ये आया, मतलब x इज इक्वल टू दिस. तो x तो मुझे पता ही है भाई रियल नंबर है, लेकिन ये रियल नंबर भी कब पॉसिबल होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ना हो, तो क्या हो, प्लस हो या फिर जीरो हो. सो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इसके लिए हमने फिर से किया क्या, y upon 1 minus y greater than or equals to 0, y upon 1 minus y greater than or equals to 0. इसका दो मीनिंग होता है क्या, एक तो greater than 0 और एक equal to 0. equal to 0 में तो 1 minus y ऊपर जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, यहां पर तो पहला मिल गया ऐसे, लेकिन greater than 0 में कब greater than 0 होगा, कोई नंबर रैशनल नंबर जो मतलब ऐसे p by q के फॉर्म में है, वो greater than 0 कब होगा, भले ही 0 point something आए, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन पॉजिटिव आना चाहिए. तो वो पॉजिटिव कब आएगा, जब ऊपर और नीचे दोनों पॉजिटिव हो तब, या ऊपर और नीचे दोनों नेगेटिव नंबर्स हो तब. ओके, दोनों पॉजिटिव हो तो मैंने लिख दिया कि y भी पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0, और 1 माइनस y भी पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर 0, ग्रेटर देन 0. दोनों नेगेटिव हो तो मैं बोल दूंगा y इज लेस देन 0 और 1 माइनस y भी लेस देन 0. अब उसको अगर हम ध्यान से देखें तो y greater than 0 है और यहां से मिलेगा y less than 1, और यहां से मिलेगा y less than 0 और y less than 0 and y greater than 1. तो ऐसी तो कोई कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, सो y 0 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, तो ये तो कंडीशन ही चली गई. तो एक ही कंडीशन बाकी रही है, वो कंडीशन से मुझे पता चल रहा है कि y 0 से तो बड़ा है, 1 से तो छोटा है, और एक कंडीशन मुझे ऑलरेडी मिली थी कि y 0 भी हो सकता है. तो बस आंसर मिल गया, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया. ओके, तो ये था हमारा सिक्स्थ वाला. सेवेंथ वाला न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, r टू r डिफाइंड है रेस्पेक्टिवली f(x) g(x). ये तो भाई तुम ऐसे ही कर लोगे, f(x) गिवन है क्या x+1, g(x) गिवन है क्या 2x-3. देखो 2x-3, फाइंड f प्लस जी, भाई f प्लस जी मतलब क्या है, f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू f(x) प्लस g(x). देखा था लास्टली एल्गोरिथम्स, तो f(x) क्या है x+1 प्लस g(x) क्या है 2x-3. सो क्या है, क्या है 2x प्लस x 3x प्लस माइनस माइनस 2, डन. ये आ गया f प्लस जी. ओके, सिंपल, खत्म. f माइनस जी इज इक्वल टू x+1 + 1, माइनस करके ब्रैकेट में लिख रहा हूं 2x-3, क्योंकि माइनस की साइन है ना, x+1 माइनस अंदर गया तो -2x - +3. सो ये हो जाएगा -x होगा, और ये हो जाएगा 4, तो 4-x.
डन ओके और क्या है एफ बाई जी, एफ बाई जी मतलब क्या एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स माइनस थ्री है ऐसा आएगा, ऐसा आएगा हम क्या करें ऐसा ही तो है तो ऐसा ही आएगा ना और क्या कर सकते फाइंड दिस 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 बस तो बस और क्या देख लो आंसर यही है पीछे यही है ना दैट्स इट तो एक दो तीन डन छोटा सा न्यूमेरिकल था आगे बढ़े समझ में आया हिमांशु सबको आगे पानी पी लो जल्दी जल्दी क्या हाँ क्यों ये तो हो गया ये भी हो गया अब मुझे बोला है कि ये एक फंक्शन है ये फंक्शन है तो क्या है x प्लस वन अपॉन दिस यहां तक तो हम ले आए लेकिन हमें पता है जब भी रैशनल नंबर हो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए तो उसके लिए अगर हम लिखे कि भाई 2x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो देयरफॉर 2x इज इक्वल इज शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3 एंड x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 तो x अगर 3 अपॉन 2 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये नहीं होना चाहिए यस तो ये कंडीशन भी हम साथ साथ में लिखेंगे कि दिस वेयर वेयर एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 डन हाँ चलो एथ लेट एफ गिवन है फिर क्या पूछा है चलो ठीक है लिख तो लेते हैं एफ ऑफ 1,1 2,3 0,-1 -1,-3 डन बी द फंक्शन जेड टू जेड इंटीजर्स है सारे ओके एफ ऑफ एक्स गिवन है ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है ए एक्स प्लस बी फंक्शन एक्चुअली ये है फंक्शन एक्चुअली क्या है ए एक्स प्लस बी उसके बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं उसमें से थोड़े ऑर्डर्ड पेयर्स दिखाए गए हैं ये रहे डन फंक्शन तो ये है हम सोचेंगे सर दो दो फंक्शन गिवन है फॉर सम इंटीजर ए बी डिटरमाइन ए बी ए बी पाइंड अला चलो ठीक है ए बी फाइंड करो ए बी निकालना है एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस बी हाँ सही है सब कुछ ओके ए और बी निकालना है ए और बी कैसे निकाले ए और बी निकाल सकते हैं हमें पता है एक ऑर्डर्ड पेयर ये है तो ये क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या एक्स कॉमा वाई तो मेरा एक्स वन हो तो वाई कितना आता है वन वही है तो मेरा एक्स वन है तो मैं एक्स की जगह वन लिख देता हूं एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एक्स की जगह वन मतलब क्या ए प्लस बी तब मेरा वाई क्या मिल रहा है वन तो मतलब y मतलब क्या f ऑफ x को ही y बोल रहे हैं तो मतलब दिस इज इक्वल्स टू 1 मतलब मेरे पास आया क्या फाइनली मेरे पास एक इक्वेशन आया a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 समझ में आ गया पक्का दूसरे में डाल रहे हैं हम f ऑफ 2 डालते हैं f ऑफ 2 डाला तो क्या आया twice a प्लस b is equals to ये f of x जो है वही तो y है तो वहां वो 3 है तो उसका भी मुझे एक इक्वेशन मिल गया twice a plus b is equals to 3 आगे तो करने की जरूरत भी नहीं है क्यों दो इक्वेशन मिले दो अननोन है हमें सॉल्व करना आता है 10th में हमने किया है फिर भी शायद इजी हो जाएगा वहां से करेंगे तो कर लेते हैं f of 0 रखेंगे दिखाई देगा ये कलर ये अच्छा दिखाई देगा f ऑफ 0 रखेंगे f ऑफ 0 रखेंगे तो क्या होगा ये तो गया तो यहां पे सिर्फ b बचेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट दैट इज इक्वल्स टू -1 मिल गया ना डायरेक्टली b की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई -1 कैसे 0 रखा ये तो x की जगह 0 रखा तो a * 0 खत्म प्लस b तो प्लस b दैट्स इट
दैट उसका आंसर मतलब वाई जो है मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो है माइनस वन, तो बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो डायरेक्टली मिल गया, डन। अभी यही बाकी है, खत्म, एक तो मिल गया, तो दूसरे में वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस बी की जगह क्या रख दिया माइनस वन इज इक्वल टू वन, देयर फॉर ए माइनस वन इज इक्वल टू वन, देयर फॉर ए वन प्लस वन टू, खत्म, ए और बी मिल गए। तो चौथा तो रखने की जरूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि हमें तो ए और बी डन। लेकिन ये समझना कि ये एक्स है और ये वाई है, नहीं तो सोचेंगे यार ए और बी निकाले कैसे, डन, ओके। क्या आए हम नाइन्थ, लेट आर बी द रिलेशन एन के, एन से एन तक का रिलेशन है और गिवन है मुझे क्या, सब कुछ है ए, हाँ नेचुरल नंबर, यस, तो मुझे गिवन है क्या ए कॉमा बी, ए और बी बिलोंग्स टू एन है की है भाई, एंड ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, अच्छा ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, मेनली हमें यहाँ देखना है, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, आर द फॉलोइंग ट्रू, ये नीचे का सब कुछ ट्रू है क्या, पहला वाला क्या बोल रहे हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर नहीं, आर मतलब रिलेशन, क्यों, क्योंकि ए और बी कहां बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, तो वो आर समझ रहा, उन्होंने पहले ही बोल दिया है लेट आर बी अ रिलेशन, ओके, तो ये पूरा का पूरा रिलेशन में सूट हो रहा है, ए कॉमा ए रिलेशन में सूट हो रहा है, मतलब क्या, यहां पर वो बैठ रहा है कौन, ए कॉमा ए, ए कॉमा ए मतलब क्या, ए मतलब नेचुरल नंबर, तो दूसरा ए मतलब भी नेचुरल नंबर, मतलब दोनों सेम, ए कॉमा ए, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, मतलब कि अगर मैं ए कॉमा ए लू, ओके ए कॉमा ए, सो वो क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा, कोई भी ए की वैल्यू ले लू तब, ऐसा तो थोड़ी होगा, देखो ए की वैल्यू पहली में ए बिलोंग्स टू एन है, ए की वैल्यू क्या है, ए बिलोंग्स टू एन है, ए बिलोंग्स टू एन है, मैं वन लेता हूं, चलो वन कॉमा वन, तो वन कॉमा वन कब बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला सेट होना चाहिए ना, ओके, क्योंकि बी मतलब क्या, मेरा दूसरा एलिमेंट, तो यहां पर अगर मैं करूंगा ए की जगह वन, यहां पे ए की जगह वन, और बी की जगह में क्या रखूंगा वन, तो वन का स्क्वायर, तो मेरा हो गया वन इज इक्वल टू वन बाई टू है, रुको, लेकिन ये तो a इज इक्वल टू वन के लिए था, a इज इक्वल टू टू के लिए, वन कॉमा वन के लिए तो टू आ गया, टू कॉमा टू, टू कॉमा टू के लिए रखू, a की वैल्यू टू है और b की वैल्यू भी क्या है टू, क्योंकि a कॉमा a है ना, क्या है a कॉमा a, मतलब जो मैंने यहां लिया है वही यहां लेना है, लेकिन वो एक्चुअल में तो क्या है b, उसका रिलेशन मुझे गिवन है, तो मैं यहां पे क्या लिया टू का स्क्वायर, तो यहां तो क्या हो गया टू इज इक्वल टू फोर, गलत, टू इज इक्वल टू फोर थोड़ी होता है, तो मतलब दिस इज फॉल्स, सिर्फ पहले वाले के लिए सही होगा, किसके लिए, वन कॉमा वन के लिए सिर्फ सही होगा, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, फोर कॉमा फोर, बिलोंग्स टू एन है, जहां तक जाना हो वहां तक जाओ, वो सब कुछ गलत ही होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये जो रिलेशन हमें गिवन है फंक्शन में वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, अंडरस्टूड, पक्का पता चला, तो सिर्फ 1,1 क्योंकि LHS is equals to RHS आ रहा, लेकिन 2,2 पे नहीं आ रहा, 3,3 पे नहीं आ रहा, सो ये क्या है हमारा फॉल्स, डन, ओके, चलो सेकेंड, ये समझ में आ गया, रब कर दू, चलेगा ना, ओके, अब देखो सेकंड क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इंप्लाइज बी कॉमा ए भी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी गलती हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और वो ऐसा बोल रहे हैं इंप्लाइज बी कॉमा ए भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, नहीं होगा, देखो कैसे, ए कॉमा बी कोई भी ले लो, नेचुरल नंबर है ना ए और बी, तो
तो मैं लेता हूँ 1,2, क्या लेता हूँ 1,2, उसके लिए मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 = 2 का स्क्वायर 4, ये क्या है भाई? नहीं, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि दिस बिलोंग्स टू, पहले से बोला है बिलोंग्स टू और फिर इंप्लाइज, तो ये तो सच है भाई, ये हमें ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसमें ये सच हो। अच्छा तो हमें ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसमें ये बात सच हो। कौन सी बात सच होगी? कि बी की जगह हम 2 ले लेंगे और ए की जगह हम 4 ले लेंगे। यस, ए की जगह 4 ले लिया और बी की जगह 2 ले लिया, 4,2 लिया, 4,2 लिया। अब अगर हम देखें तो उसका क्या होगा, a मतलब क्या 4 is equals to b का स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर, that is equals to 4 is equals to 4, done। तो ये तो हमने सही प्रूव कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये belongs to r हो वैसा कुछ लो, लेकिन अगर वैसा हमने लिया तो बोल रहे implies, implies मतलब जो और तो वाली बात, कि अगर ये सही है तो ये सही है, वैसा वैसा वो लोग बोल रहे हैं, ओके, कि ये तो सही है, तो क्या ये भी सही है, हमें बोलना है ट्रू और फॉल्स। तो उसके लिए देखते हैं, 4,2 लिया तो अभी क्या बोला है, b, a, मतलब अब हम क्या ले लेंगे 2,4, 2,4 के लिए लिखे तो 2 is equals to 4 का स्क्वायर, गलत 16, ये तो गलत बात है भाई, ओके, सो दिस इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, डन, पक्का हिमांशु, ओके, चलो हाँ, थर्ड वन, थर्ड तीन ही है ना, अच्छा क्या बोल रहे हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, इंप्लाइज इसके जैसा ही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें दो थे, इसमें क्या है, तीन है। अब ऐसा बोल रहे हैं, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और b कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर, अच्छा a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दिखाना है, b कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर दिखाना है, इंप्लाइज a कॉमा सी भी बिलोंग्स टू क्या करें, r, मतलब हमारा फंक्शन, तो हमारा रिलेशन। अच्छा अभी इसके क्या एग्जांपल ले, पहले तो ये दो सही करने पड़ेंगे, a कॉमा b तो b का स्क्वायर करना है, चलो मैं लेता हूं a is equals to 16, b is equals to 4, डन। तो पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, 16,4 बोला मैंने a और b, तो a और b ये है 16,4, अब इसको मैं यहां पे डाल दूं, ये मेरा a, अब इस कंडीशन में देखो रिलेशन में ये a है और ये b है, तो a is equals to b square, तो a is equals to b का square, तो बात तो सही है, 16 is equals to 16, वो तो मुझे दिखाना ही था, अब मुझे ये भी दिखाना है, तो b तो मेरा है 4, हाँ c मैंने ले लिया 2, ओके, अब देखो b कॉमा c, सो b कॉमा c मतलब क्या 4,2, b और c, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ये अब ये b कॉमा c है, लेकिन अब चेक करने के लिए ये क्या बन गए, a और b, समझ में आया, चेक करने के लिए a और b बन गए, वैसे है b कॉमा c, अब a is equals to b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 4 is equals to 4, तो ये भी बात सही हो गई। तो अगर ऐसा बोल रहे हैं निर्भय उठो चलो, अगर ये दोनों बातें सही है तो ये भी सही है, ये चेक करो, ओके, तो ये अब चेक करते हैं ये सही है या नहीं, फैन बंद कर दे, अब थोड़ी टेम्परेचर,
हाँ चलो, सो अब बोल रहा है कि ए और सी भी सेटिस्फाई करेगा, तो मेरा ए क्या है 16, सी क्या है 2, अब ये मेरा ए और सी था और अब ये मेरा ए और बी बन गया, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। गलत, ये तो गलत हो ना, डन, मतलब ये भी क्या है फॉल्स, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड भी फॉल्स ही आया था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब कुछ फॉल्स, डन, ओके, आगे लास्ट वेरी लास्ट टेंथ, ए गिवन है, बी गिवन है और एक फंक्शन भी गिवन है, रिलेशन आर दी फॉलोइंग ट्रू, अच्छा चलो अब मैं लिख, अच्छा यार चलो लिख देता हूं, 1 2 3 4 बी 1 5 9 11 15 and 16 एंड एफ इज इक्वल्स टू 1, 5 2, 9 3, 1 4, 5 and 2, 11 डन, यही गिवन है। अब क्या पूछ रहे हैं कि एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, चलो एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो 1 देखो पहले तो मैं चेक कर लेता हूं सब कुछ उसमें है या नहीं, 1 है 2 है 3 है 4 है और 2 है, हाँ ठीक है, ये लोग है 5 है 9 भी है 1 भी है 5 भी है 11 भी है, यस ये तो मैंने चेक कर लिया, सिर्फ x और y बिलोंग्स टू है या नहीं है अभी। अब फंक्शन के लिए हमारी रिक्वायर्ड डेफिनेशन, सबकी इमेज होनी चाहिए और वन एंड ओनली वन, तो 1 की एक ही इमेज है 5 और कोई 1 है नहीं है, 2 की देखो कोई छूट तो नहीं जा रहा, सबसे पहले 2 की एक ही इमेज होनी चाहिए, 9 है नहीं गया, 2 की 2 है 2, 9 and 2, 11, सो फर्स्ट वाला क्या हो गया फॉल्स, और रीजन तुम लिखोगे क्या, एज द एलिमेंट 2 हैज 2 इमेजेस 9 and 11, so it is not satisfying the definition of the function in which it says that the all the elements should have one and only one image, therefore the given statement is false, or say we can say that f is not a relation from a to b, then nahi nahi hame to wo pucha hi nahi हमें तो वो पूछा ही नहीं, यहां तो पूछा है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन की तो बात ही नहीं की, तो फॉल्स नहीं आएगा, फिर से चेक करेंगे रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन के लिए तो जो हमने पहले चेक किया वो 1 ए को बिलोंग करना चाहिए और ये 5 बी को बिलोंग करना चाहिए, वो तो हमने कर लिया, तो यस इट इज अ रिलेशन, फंक्शन की बात नहीं चल रही है, रिलेशन, तो ये क्या है ट्रू कि भाई f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, हाँ है, ओके चलो नेक्स्ट, f इज अ फंक्शन जो हमने बात की थी वो यहां पर आएगी कि भाई वो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, फॉल्स, और फिर उसका रीजन यहां लिख देंगे, डन, ओके समझ में आया, थोड़ा खड़े हो जाओ, डन, ओके चलो 11th, let f be the subset of z cross z defined by f is equals to this, this is f is a function from z to z, f function hai kya, justify karo tumhara answer, f function hai kya, integers hai ye log, f function hai kya, function aise defined hai, इंटीजर है, ओके ओके चलो ए लेता हूं मैं 1, बी लेता हूं मैं 8, तो मेरी ऑर्डर्ड पेयर क्या होगी 8, 9 होगी, ए बी मतलब 1 × 8, 8 एंड ए प्लस बी दैट इज 9, डन, इसको ऑर्डर्ड पेयर, हाँ ये एक्स कॉमा वाई मतलब ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ये भी ऑर्डर्ड पेयर,
तो ये तो एक मिल गई, दूसरी ढूंढते हैं। दूसरे में भी हम यही कुछ लेके आ गए, तो यस अब मैं ले रहा हूं a इज इक्वल टू 2, 4, 8, 4 अब अगर मैं निकालू ऑर्डर पैर तो क्या आएगा, a इंटू बी 8, a प्लस बी 6 है क्या फंक्शन? नहीं, फंक्शन नहीं है। क्यों? 8 की दो दो इमेज है, 9b और 6b, खत्म। कोई भी एग्जांपल ऐसे तुम ले सकते हो और बोल सकते हो कि भाई फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू z वेयर x इज ab एंड y इज a प्लस b, द गिवन फंक्शन वर्सेस द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। डन, ओके। 12 क्या बोल रहे हैं? 12 में लेट ए 9, 10, 11, 12, 13 देन f गिवन है, f ऑफ n। अच्छा, f ऑफ n क्या है? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। और ये n किसको बिलोंग करता है? फिर से f of n is equal to highest prime factor of n and let f is a tends to n। तो n हमेशा हम a में से लिखते हैं और a n में है। अच्छा, तो ये रहा, ओके डन। क्या बोल रहा है देखो, समझो, हमें क्या पूछा है? रेंज। क्या पूछा है हमें? रेंज पूछा है। डन, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन समझे कि भाई मैं जो यहां पुट करूंगा x की जगह वो क्या होगा, 9, 10, 11, 12, 13, और ये जो मुझे आंसर मिलेगा वो मेरा y होगा। लेकिन आंसर मिलेगा कैसे? ये लिखा हुआ है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना उसमें सबसे बड़ा जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो वो यहां पर आएगा। डन, चलो तो स्टार्ट करते हैं। f की वैल्यू रखते हैं हम 9, f की वैल्यू 9 रखे तो यहां पे आंसर क्या आएगा? 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो फैक्टराइजेशन करोगे 9 का तो क्या आएगा? 3, 3 जा 9, 3, 1 जा 3, तो भाई क्या आया? 1, 3 और 3। डन, तो उसमें हाईएस्ट कौन? 3 भाई, तो मेरा आंसर क्या आया? 3। Then f of 10 तो क्या आएगा? 5। f of 11 क्या आएगा? 11 तो आएगा ही ना, 11 बन जाए 11। 12 का 6 आएगा। फैक्टराइजेशन कर रहे हो तब हाईएस्ट 6 का तो वापस फैक्टर होगा ना 2 और 3, तो हाईएस्ट क्या आएगा? 3 आएगा। एंड 13 का? यस, प्राइम नंबर है। सो अब हमें मिल गया क्या? ये सारे एक्स है, ये सारे वाई है, हमें रेंज पूछा है, तो यही तो है भाई, 3, 5, 11, 3 आ गया है, एंड 13। Done, this is my range, that's it। जो y आता है वही मेरी रेंज होती है, तो ये मेरी y है और ये जो है मेरा x है, डोमेन। डन, ओके, यही है आंसर, देख लो एग्जैक्ट है ना। सो विद दिस आवर चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन इज कंप्लीटेड। समझ में आया अच्छे से? हमने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए है। नाउ यू हैव टू डू एटलीस्ट एग्जाम्पल्स, ओके, एक्सरसाइज एज वेल एज मिसेलेनियस एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट किए, सो तुम्हें एग्जाम्पल्स करूंगे। डन, ओके, तो हमारे यहाँ पर दो चैप्टर मैथ्स के कंप्लीट होते हैं।